वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये तो आपने जरूर सुना होगा। ये हर वो नेताओं के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है जो कि चुनाव के वक्त जनता का हमदर्द बन जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो जनता को जानते हैं ये नहीं जानते, ये तो जनता ही जानती है उस राज्य की जहां पर उनके नेताजी का यही हाल है। अब ऐसा है कि देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और ऐसे में उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी में कुछ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 17 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन नेताजी तो पंजाब इलेक्शन, यूपी इलेक्शन में बिजी है, क्योंकि अब तो दिल्ली की जनता उनकी हो चुकी है कुछ सालों के लिए, लेकिन अब अगले राज्य की जनता को उनको अपने पाले में करना है और जीत हासिल जो करनी है। अब आपको बता देते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये महिलाएं रोजाना इसी तरह से प्रदर्शन करती हैं, लेकिन नेताजी को इनकी सुध कहां लेनी है भाई, वो तो अपने अगले इलेक्शन और अगली जनता के पक्ष में लगातार लुभावने वादे करने में लगी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। तो आपको बता दें कि अपनी सैलरी बढ़ाए जाने और रुके हुए बकाए को लेकर दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और उनका आरोप है कि उन्हें गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा है और 3-3 महीनों तक उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इन महिलाओं की मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनका पुराना बकाया भी क्लियर कर दिया जाए। तो बता दें कि हालांकि महिलाओं की टिकट जो है वो दिल्ली में बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं का पक्ष रखा जा रहा है जो कि प्रदर्शन कर रही है, उनका ये कहना है कि उनको 3-3 महीने से सैलरी ही नहीं दी गई, तो ऐसे में अगर वो फ्री में बसों में चली भी जाएंगी तो क्या उनका घर बिना सैलरी के चल जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय लगभग 22,000 आंगनवाड़ी महिलाएं हैं। आंगनवाड़ी वर्कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों का चुनावी राज्यों पंजाब और गोवा में भी विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की महिलाएं पिछले 17 दिनों से सड़कों पर बैठकर अधिकार मांग रही हैं, जिसकी आवाज मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है या फिर वो सुनना ही नहीं चाहते। महिलाओं का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाकर आंगनवाड़ी महिलाओं को अब नया झूठ बोल रहे हैं जो कि उन्होंने दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं से बोला। 2017 के बाद से अभी तक एक पैसा दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं को अपने मन से नहीं बढ़ाया, इसके लिए उन्हें धरना देना पड़ा, जिसके बाद इनके वेतन में वृद्धि की गई। और शायद ये अरविंद केजरीवाल जी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सरकार ही धरना देकर जो बनी है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी राज्य के लोग भी धरना देना बिल्कुल ना भूले। तो आपको बता दें कि फिलहाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,678 रुपए दिए जाते हैं और जो उनके साथ तो उनकी सहायिकाओं को 4,839 रुपए मिलते हैं। और ऐसे में अब इन महिलाओं का कहना है कि जब भी सरकार को कोई काम करवाना होता है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर से ही करवाते हैं, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की मांग आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा वो इसी तरह प्रदर्शन करती रहेंगी। और इनकी मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन जो है वो 25,000 रुपए और सहायिकों का 20,000 रुपए करना चाहिए। और उनका कहना है कि अभी वेतन उन्हें घर परिवार चलाने में अब नहीं मिल रहा है तो काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कोरोना के वक्त में उन्होंने घर घर जाकर राशन दिया, प्राइमरी एजुकेशन दी, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी महिला ने तो कहा कि जब कोरोना काल में उनसे खूब काम करवाया गया, जिन घरों में मौत हो रही थी वहां तक वो लोग सर्वे करने गई, तो अब उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी उस वक्त नहीं दिया गया, तो अब उन्हें सैलरी के वक्त यूं दौड़ाया क्यों जा रहा है। यहां तक कि आपको बता दें कि उन्होंने डॉक्टर्स तक की भूमिका निभाई थी। अब इधर यानी एक तरफ तो प्रदर्शन को लेकर वो बैठी हैं, तो दूसरी तरफ जब वो प्रदर्शन को लेकर बैठी हैं तो आपको बता दें कि धरने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके साथ छेड़खानी की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई अभी तक बयान नहीं दिया है कि ये कार्यकर्ता उन्हीं का था या किसी और का, लेकिन जो सूचना जो खबरें हमें मिली है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए
दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने इन महिलाओं के साथ दिल्ली स्थित जोहरीपुर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बदसलूकी की। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र लिखा है और जांच करने के बाद दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा आयोग ने इस घटना के क्या कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट 7 दिन में भेजे जाने के लिए यहाँ पर कहा है। तो आप भी सोचिए कि एक तरफ इन महिलाओं का जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जब ये इसके लिए खिलाफ प्रदर्शन करती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है। तो क्या ये वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो कि महिलाओं के लिए ही अपनी ही पार्टी को सामने रखती है और जितवाती है, और जब उनका काम हो जाता है, जब उनकी पार्टी जो है वो जीत जाती है, तो महिलाओं की सुध तक वो लोग नहीं लेते। तो चलिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।